वहीं एक युवा तो अग्निपथ योजना के विरोध में ड्यूटी मजिस्ट्रेट कमल गिरधर के गले लगकर रोने लगा। आपको बता दें कि जब से अग्निपथ योजना की घोषणा हुई तब से देश व प्रदेश के युवाओं में भारी रोष है, जहां कई जिलों से आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली, जिसके चलते आज पानीपत प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। वहीं कोई अनहोनी न हो जाए इसलिए पानीपत पुलिस पर प्रदर्शन करने आए युवाओं का नाम, पता व उनका मोबाइल नंबर भी नोट किया गया, जिसका युवक विरोध कर रहे थे। हालांकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट का कहना था कि सुरक्षा की दृष्टि से यह सारी डिटेल नोट की जा रही है और पानीपत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, इसलिए किसी भी युवा पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। परंतु हमारा सबसे इस समय जो हमारा जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, हम सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ये हमारी संपत्ति है, हमारे टैक्स पेयर्स की संपत्ति है, हम इसको यहाँ पे ऐसे तोड़फोड़ कर देंगे क्या मिल जाएगा, हमें क्या हासिल होगा। मसला ये है कि आप शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करो, अपनी बात सरकार तक पहुंचाओ और हम यहाँ खड़े हैं सरकार की बात सुनने के लिए सरकार की तरफ से, और हम आपकी बात पहुंचाएंगे। समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। देखो मैंने उनको समझाया, वो मान गए हैं बात को। सर युवाओं के नाम पते लिए जा रहे हैं, उनके अंदर भय बन रहा है कि कहीं मामले बिल्कुल नहीं लिए जा रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भय वाली बात नहीं है, ये प्रिकॉशनरी। मैं भी होता तो मैं भी यही काम करता, सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया जाता है। अगर ये बच्चे अभी उग्र प्रदर्शन कर ले फिर हम कहां से लाएंगे इनका प्रदर्शन, तो सिक्योरिटी के लिए तो ये उनके नियमावली में काम करना, इसमें कुछ बुरा तो नहीं किया। अच्छा अभी तक अभी 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 इन बच्चों ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि जो उन्होंने कानून तोड़ा हो, परंतु उसके लिए आगे के लिए जो हमने जो तैयारी करनी है वो तो हमारी मजबूरी है ना। अगर वापिस अब लौट जाते तो किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज? बिल्कुल नहीं होगा, मैं प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि किसी प्रकार की कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। सरकार क्या ना हर गरीब कलर फौजी बनेगा, चार साल बाद कहाँ जाएगा वो फौजी? गरीब घर के लड़का फौजी बनाया, चार साल बाद कहाँ जाएगा? अरे कोई नेता का बेटा क्यों नहीं बनता फौजी? पता है गरीब घर के लड़के मेहनत करते हैं, नेता खट्टर अपने लड़के क्यों नहीं भेजता सुबह 4 बजे ग्राउंड पे? तो रडुआ है उसके बस की नहीं है फौजी, वही अमीर भाई उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड में एक सुने एक मंत्री की ना पोस्ट वायरल हुई है, उसने कहा है टीओडी में मैंने सबसे पहले अपनी लड़की का सिलेक्शन करवा, कोई कोई भर्ती नहीं आ रही, उसकी लड़की कहाँ से सिलेक्शन लेगी, उसकी लड़की कहाँ से सिलेक्शन लेगी जब कोई भर्ती नहीं आ रही? अरे अपने बेटे हो ना किसी जीडी रैंक पर भेज के देखो, ऑफिसर रैंक पर क्यों भेज रहे हो, जीडी रैंक पर भेज के देखो, पता चलेगा एक फौजी कितनी मेहनत करता है। पहले किसान रोड पाए, जवान रोड पाए, क्या फायदा, कहाँ से अच्छे दिन आए? साथ पहले किसान रोड पाए, जवान रोड पाए, धीरे धीरे देखो क्या नहीं होता इस देश में, बहुत कुछ होगा इस देश में, आने वाला टाइम ऐसा होना कोई लड़का आर्मी की तैयारी नहीं करेगा, गुलाम होगा। हमारे हमारे ग्राउंड में ना जिस ग्राउंड में हम तैयारी करते थे 1600 मीटर के ना 8 बैच 4-5 बैच भाजते थे ऐसे, कल से जब से टीओडी लागू ना एक बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सदमे में सारे 24 घंटे के अंदर ना कितने 60+ लड़कों ने फांसी लगा ली, उनका सपना नहीं था क्या फौजी बनना? किसी माँ के पता है कितनी माँ का बड़ा कितना बड़ा कालचा होता है अपने लड़के को फौज में भेजना, क्यों नहीं कोई नेता अपने बेटे को भेजता फौज में? पता है गरीब घर का लड़का मेहनत करता है, उनके बस की नहीं है मेहनत करनी, ऐसी नहीं कोई फौजी बन जाता है। सर मैं हर एक युवा हर एक देशभक्त इंसान से एक ही चीज का गुजारिश करता हूँ कि वो रोड पे उतरे और प्रदर्शन करे, तभी ये सरकार कराएंगे। अंदर पुलिस हमारे को सचिवालय में जबरदस्ती पकड़ के लाई और हमारा नाम लिखा, हमारा नंबर लिया, अरे बोला कि फिर बाद में हम आपको बताएंगे। अरे बाद में क्या बताऊंगे, ए भाई यार कर देंगे जिंदगी तो वो भी खराब हो रही हमारी, और जिंदगी खराब तो हो रही जिंदगी, हमने तो बचपन से सोच रखी है भाई या तो आर्मी की बंदूक से खेलेंगे या फिर देश के बंदूक से खेलेंगे, खेलना तो बंदूक से ही है, चाहे वो चाहे गुंडागर्दी करना पड़े या फिर हमें देशभक्ति करना पड़े। हमने तो पहले जी बस स्टैंड से शुरू करा था, बस स्टैंड से संजय चौक के साइड गया, उधर से फिर इन्होंने पकड़ के हमें कोर्ट तक लाया और हमारा नंबर लिया। हमारे पास जी पूरी वीडियो बढ़िया, किसी ने गलत कुछ नहीं करा, रास्ते में हमारा हर एक आवाज दबाया जा रहा है, हालांकि पुलिस हमारा साथ दिया है, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रहा, पुलिस प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है, लेकिन इसमें कुछ गद्दारी भी की जा रही है और बड़े बड़े जो ये जो बड़े बड़े अधिकारी है ना इनके ऊपर से इनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि ये प्रदर्शन खत्म किया जाए ताकि टीओडी फिर आसान से लागू किया जाए। हम टीओडी लागू नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जान देनी पड़े ना तो देने के लिए तैयार है, लेकिन टीओडी लागू होने नहीं देंगे। जी हम आगे जब तक हमारा टीओडी वापस नहीं होता हम घर नहीं। अब ये बता दो मोदी सरकार का कहना है ना हम 20 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे, मोदी सरकार का कहना है ना हर गरीब गड़ी करवाओ, आप मीडिया साथ थी, अगर कहीं दंगे हुए हो कुछ भी बात हुई हो पुलिस प्रशासन साथ में आया कुछ भी बात हुई हो फिर तो कण के हकदार है, अगर हमारी गलती हो कड़ी कोई कति शांतिपूर्वक आए जी दूर थे कति साथ पुलिस वाले थे नो तो फिर नाम लिख का जोर जबरदस्ती क्या था करने आ रहे हैं।
हम तो ये बात बताओगे जी, आप भी पूछो पुलिस प्रशासन से क्या बात है। बीच में दो पुलिस वाले मिले थे जिसी भी मैं तुम्हें बताऊँ क्या बात क्या खाता थे बीच में क्या करे थे, बीच में मुक्केबाजी क्यों कर रहे थे। और बस स्टैंड से गया था जी, यहाँ पर कोर्ट टेबल आ गए ना पुलिस प्रशासन साथ माई मारे। आप ये बताओ आपने और शहर की तरह गाड़ियां तो नहीं चलाई, ट्रेन तो बच्चों को छोड़ दो जी, माफ लोग जोड़ कर अपील करो, एक बार जाकर पूछो तो पुलिस प्रशासन से चाह क्यों करा उन्होंने ऐसा, बीच में रुकवा दिया, नाम लिख लिया, यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, अपील है जी आप जोड़ का, अगर आप लोग नहीं कर सकते ना तो कोई वजह नहीं हमारा इंटरव्यू भी लेने का, अगर हमारे साथ खड़े होना कोई फायदा नहीं, आप लोग अगर आप हमारे साथ खड़े हो और उनसे ये बात नहीं पूछ रहे। अच्छे दिन आएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।